हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, कल का ब्लॉग नहीं आया क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है जो कि आज आप लोगों को सोच रहे हैं बता ही देते हैं, क्योंकि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ऐसा वीडियो क्यों एक आ रहा है, कभी दो आ रहा है, कभी तीन आ रहा है। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि मम्मी बताएंगे इसका रीज़न क्या है, क्योंकि रंजना जो है ना वो थोड़ा कम्फर्टेबल नहीं रहती है वीडियो बनाने में, और अभी नहीं ऐसे करके बहुत, अब एक महीना भी हो गया। आज ही के दिन हमारा तिलक भी चढ़ा था 27 तारीख को, तो आई होप आज के बाद से जो है वो वीडियो भी आएगा थोड़ा, अगर तीन नहीं तो कम से कम दो ब्लॉग तो आएगा ही। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज का जो वीडियो है, मैं आज ही का डेट इसलिए चुना था ये चीज़ दिखाने का, क्योंकि हर एक लड़की का जो जब भी शादी होता है तो वो अपना जोड़ा जो होता है ना वो एकदम अच्छे से चुनती है और वो पहनती है, जिसमें मतलब सोचती है कि एकदम बेस्ट हो, ताकि यादगार हो कि अच्छा सा मैंने ड्रेस कभी वो लिया था, कैसे लिया था, सारा कहानी जो है आप लोगों को पता चल जाएगा। तो वो ड्रेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, रंजना जो है आज आप लोगों को दिखाएगी, मम्मी भी, और उसके बाद उसका कहानी भी बताएगी कि वो ड्रेस ही क्यों ली थी। और उसके बाद से यही ड्रेस जो है हो सकता है कि अम्बाला के पार्टी में भी पहनने को लगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कैसा लग रहा है ये ड्रेस पहले, उसके बाद से आप लोग सजेस्ट कीजिएगा। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि मम्मी इतना ज़्यादा स्किन ग्लो करने का राज क्या है, क्योंकि मम्मी क्या करती थी, पहले बस नॉर्मल क्रीम लगा लेती थी और हो जाता था, पर उसी बीच बहुत सारा प्रॉब्लम जो था उनके फेस पे आने लगा था, जैसे एक्ने भी आने लगा था और भी बहुत सारा चीज, जो चमक जो है थोड़ा कम हो रहा था। तब तक मेरे भाई मुझे बोला कि तुम ये वाला प्रोडक्ट जो है इसको यूज करो, बोलो मम्मी को कि यूज करें, उसके बाद से इसका रिजल्ट बहुत जल्द आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो रिजल्ट है क्योर स्किन का, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। जैसे ही मम्मी को बोला तो उन्होंने बोला सच में ऐसा सही हो जाएगा, तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ चलो देखते हैं कैसे होता है ये यूज। तो ये सबके मन में आता होगा कि ये कैसे यूज करते हैं, तो बहुत ज़्यादा आसान है, इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। मोबाइल में आप लोग ऐप स्टोर से जाके या तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको पूछाएगा पहला क्वेश्चन कि आपको कैसा स्किन चाहिए, हेल्दी स्किन चाहिए, कैसा स्किन चाहिए, और वो आप लोग उसको जवाब देंगे तो वो आप लोगों से इंटरेक्ट भी करेंगे। और स्पेशली ये ऐप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा ये लगा कि हर महीना जो है डॉक्टर आपसे कंसल्ट करेंगे, आपसे पूछेंगे, और आपका स्किन देख के डर्मेटोलॉजी जो है वो आप लोगों को वैसा टाइप का प्रीफर करेंगे कि ये यूज होगा। तो वही करके मम्मी ने अपना चेहरा को स्कैन कराया, और स्कैन कराने के बाद से उसमें आपको देखने को मिला कि क्या क्या उसमें प्रॉब्लम था, उसी बेसिस पे कुछ आया है सामान जो कि आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें क्या क्या चीज़ है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या है। ये प्रोडक्ट आया था और क्योर स्किन का है, विजिबल रिजल्ट देगा जो कि बहुत इफेक्टिव होगा स्किन के लिए। तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या इसके अंदर। इस किट में दिया हुआ है क्योर स्किन का फेस वॉश, इसमें दिया हुआ है सन जेल, जो कि आज ये नॉर्मल जो क्रीम की तरह आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने चेहरे पे, ताकि आप लोगों को मॉइस्चर की तरह यूज करे, कोई भी खराबी ना हो। तो गाइस, ये है आपको क्योर स्किन का विटामिन सी जेल, जो कि आपको मम्मी जब स्कैन की थी थोड़ा पिंपल्स के जैसा एक्ने आ गया था, तो अभी लगाने जा रहे हैं क्योर स्किन का ये फेस वॉश। तो अब नेक्स्ट दिखाते हैं आपको इसके बाद क्या है। ये है मॉइस्चर क्रीम, जो कि आप फेस वॉश के बाद से आप लगा सकते हैं। इसको धूप में जाने से पहले आप यूज कर सकती हैं। क्योर स्किन का सन जेल, धूप में जाने से पहले ये लग जाएगा। ये चेहरे पे जहाँ जहाँ पिंपल्स या एक्ने हो गया था तो इस पे अप्लाई कर सकते हैं इसको, जैसे यहाँ। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट। तो गाइज, ये क्योर स्किन का किट जो है वो आपको 2 महीना के लिए मिला हुआ है, 2 महीने तक आप लोग इजीली जो है डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं, और ये एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड एप्लीकेशन के साथ साथ प्रोडक्ट भी है, और आपको इसमें मिल सक ये आपको मिलेगा 1499 रुपये में। अगर हमारा कोड आप लोग यूज करेंगे तो आपको डायरेक्ट 100 रुपीज़ ऑफ मिलेगा, जो कि हमारा कोड है
हमारा कोड है PRM100 जो कि आपको देखने को मिलेगा। इस पे आपको डायरेक्ट 100 रुपीज ऑफ मिलेगा। तो जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके कांटेक्ट कीजिए और आप जल्दी से लेके आइए अपने घर क्योर स्किन का प्रोडक्ट। और आप लोग भी अपने स्किन से रिलेटेड सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करें। चलिए, तो गाइस काफी दिनों बाद जो है, काफी दिनों का हुआ जीरी सिस्टम आज हमारे वीडियो में आई है पिंकी राज चौहान। पिंकी राज ब्लॉग बोलिए, क्यों ब्लॉग चैनल में तो ब्लॉग ही ना बोलिएगा। तो अपना आपका बाबू जाएगा एडमिशन कराने, तो आपका पिंकी राज ब्लॉग लिखेगा कि चौहान लिखेगा। तो आपका चैनल भी आप कल बाबू लिखवाएगा तो ब्लॉग लिखवा देगा कि चौहान लिखवाएंगे पहले, बाद में नू ब्लॉग बताया जाता है कि पहले ही बता दिया जाता है। इनके घर पे आप लोगों वीडियो में बताए ना कि देखते हैं अगर मिलेंगे लो तो आप लोग से मिलवाएंगे। पहले आप बहुत ज्यादा पतली थी, आज थोड़ा हेल्दी लग रही, क्या बात है। हम तो और पतले हो गए जी। उसका राज बताइए, मुर्गी उर्गी का क्या ख्याल रख रही है कि नहीं? आप तो गाइस आप लोगों को मुर्गी से ले आता है, इनका ब्लॉग एक बार जरूर शॉर्ट्स देखिएगा, वायरल शॉर्ट्स में इनको ना बहुत पसंद आती है सब मुर्गा मुर्गी। मैंने ऐसे खिलाने के लिए मेरे बाबू खरीद दिया था, बहुत फनी फनी। बीमारी को इग्नोर किया जाता है तो हम इग्नोर कर दिए हैं, सब हमारे पास बीमारी है लेकिन उसको सोच नहीं रहे, दवा भी कम ही खा रहे हैं। अभी आपका उम्र कितना होगा? आंटी बोल रही है दीदी बोलेगी ना, भाभी भी बोल सकती है, आप मेरे छोटे भाई हैं ना, प्रिंस भाई बोलते हैं, दीदी बोलेगी। आंटी लगा दीजिए एक आंटी गाइस रंजना को नहीं पता था कि क्या लगेंगे, तो आंटी बोल दी उसको इग्नोर की। पता है तुम जा रहे हो, उम्र से कम ही है इनका उम्र, लगभग 18 साल की है ये। एक तो प्रिंस भाई बना दिए। कितना साल की है? नहीं गाइस हम 28 साल के हैं, 18 साल के। अच्छा तब बड़ी हैं, तब दीदी लगेंगी। देख लीजिए रंजना को, देख दिए। कौन सा ब्याह हो गया आपका? मेरा बहुत ज्यादा सब विवाह हुआ है, इसमें बता दे क्या। विवाह हो गया कि विवाद हो गया? विवाह। तो आपके हस्बैंड तो चले गए, अब सबको अभी बता दीजिएगा, अभी हम अपने ब्लॉग में बताए नहीं। चलिए कुछ राज रहने दिया जाए। हाँ। तो कैसा लग रहा है चाय? अच्छा लग रहा है, आप बनाए हैं? बैठिए, अब बैठाइए। हाय गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? हमको पूरा विश्वास हो गया कि आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हाय गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? और हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आप लोगों को दिखाने कि रंजना शादी के टाइम क्या पहनी थी, और इन लोग का प्रिंस का मन है कि वही लहंगा क्यों नहीं पहना जाए। फिर तो उस दिन क्या लग रहा था? शादी के दिन, तिलक के दिन। तिलक के दिन तो हमको बहुत डर लग रहा था कि इतना जल्दी, मतलब कि सब कुछ हो जा रहा है और फिर कैसे क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जोर से थोड़ा बोला जाए, तिलक हो गया। फिर उसके बाद बहुत रोना भी आ रहा था, घर में सब लोग समझा भी रहे थे कि क्यों रो रही, सबको एक ना एक दिन जाना है। तो आज एक महीना बीत गया। आज हाँ, आज 27 है ना, तो आज हमारे तिलक का एक मंथ कंप्लीट हो गया। अब कुछ दिन के बाद शादी का भी एक मंथ कंप्लीट हो जाएगा। जिस दिन शादी हुआ था उसी दिन रिसेप्शन है हम लोगों का। हाँ, हाँ। मतलब नहीं, एक दिन के बाद को बड़ा था ना, 5 को आई थी, तो वही 6-7 को मान लो, 7 को, 5 तारीख को यहाँ पर हम लोग इसका स्वागत किए थे, अंबाला में होगा। तो गाइस अब आप लोगों को बता देते हैं कि इनका जो शादी का जो जोड़ा था वो कैसा है, आप लोग तो देखे ही होंगे। तो उसको लेने के लिए कुछ बातचीत हुआ था कि यही लेना है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमको एक फर्स्ट टाइम में ये पसंद आ गया था, जब दुकान में गए थे ना तो एक बार में, मतलब 2-3 लहंगा देखी थी मैं, तो फिर हमको यही च्वाइस मतलब कि अच्छा लगा, और हमको इसी सेट में लेना था, मैरून कलर ही लेना था, तो इसलिए मैं मैरून ही ली।
तो चलिए गाइस, अब आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसा है। गाइस क्या है कि हर लड़की या लड़का को जीवन में एक बार ये सौभाग्य मिलता है कि जो शादी विवाह के लिए अपना से अच्छे कपड़ा ड्रेस पसंद करें और वो पहने। तो प्रिंस को भी हम लोग ले गए थे दुकान पे, इसको अपने पसंद से साड़ी इसको शेरवानी खरीदे या जो भी था हम लोग खरीद दिए। क्योंकि हम लोग क्या है कि तिलक में लड़की के घर से कपड़ा आता है लड़का का, तो उन लोग ने बोला था कि आप लोग खरीद दीजिए। तो चलिए गाइस, अब आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि क्या ये सेट सही रहेगा या नहीं, और ये काफी खूबसूरत भी है। ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगा था, ये न्यू चार्मिंग हाउस से है जो कि खेतान सुपर मार्केट से मैं ली थी, बहुत अच्छा लगा था हमको। इसका और भी कलेक्शन था लेकिन कलर कोई और था, तो हमको इसी सेट में लेना था मैरून कलर ही, इसलिए मैं ये ली। ये देखिए गाइस कितना प्यारा है कलर, काफ़ी खूबसूरत है। बहुत प्यारा लगा था ये, और आपको कैसा लग रहा है? ये जो बीच में कॉम्बिनेशन येलो और ग्रीन का दिया हुआ है ना, ये मुझे काफी प्रीटी लगा था। तो ये रहेगा, अच्छा लगेगा पहनने की तो जी काफी। और ये देखा जाए क्या होता है उस दिन के बाद, उस दिन प्रीटी का जी मैं अलग से ली थी इसमें लगाने के लिए, काफ़ी मैचिंग हो गया था इसलिए मैं ये ली। आप सब कमेंट में बताइए कि आप सबको मेरा मतलब कि शादी का जोड़ा कैसा लगा। मुझे तो पर्सनली बहुत प्यारा लगा था, बहुत प्रीटी। ये जो चिड़िया है ये ग्रीन येलो कॉम्बिनेशन है, मतलब ये येलो नहीं है, ये मस्टर्ड कलर है इसमें जो दिया हुआ है, ये काफ़ी मुझे बहुत और गले का सेट भी इसे। हाँ गले का सेट जो है मिंट ग्रीन है और फिर डार्क ग्रीन है, दिखाया गया है ना सर? हाँ वो दिखाया गया है, तो काफ़ी मुझे बहुत प्यारा लगा था। और ये इसका दुपट्टा ना, ये दुपट्टा मतलब इस अलग से लिए, इसका मतलब कि मैचिंग रखा हुआ है तो वो अंदर रखा हुआ तो उसको मैंने निकाली, और ये मैं अलग से ली थी। बहुत प्यारा है इसका दुपट्टा। आप खरीदी थी कि नहीं मम्मी दीदी का, कि वो खुद से खरीदी थी? दीदी को भैया खरीद, आपका तो पसंद ही अलग है, भैया खरीद के लाया था उसके। ये वॉलवेट का है, वॉलवेट का है ये दुपट्टा, और नेट का भी मेरे पास है, मैं दो दो दुपट्टा ली थी इस टाइप का। गाइस दुपट्टा जब जैसे ही माथा पे पड़ता है ना तो उसका खूबसूरती और भी बढ़ जाता है। ये ऐसे कुछ ऐसे था। और दुपट्टा जो था ना मतलब कि अंदर वो पिनअप किया हुआ था और बाकी ऊपर से बहुत सुंदर लग रहा है, प्यारा है वास्तव में, मैंने बहुत बढ़िया लहंगा का कलर था। गाइस आप लोग बताइए, बहुत अच्छा लग रहा था। अगर जिनको भी लेना होगा खेतान सुपर मार्केट में चले जाइएगा, न्यू चार्मिंग हाउस, वहाँ आपको ये लहंगा अवेलेबल हो जाएगा। तो गाइस हम लोग कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बस ये जहाँ से ली थी वो बताया जा रहा है, और आप लोग जरूर आप लोग देखिएगा जरूर कि दीदी आप लहंगा कहाँ से लेते हो। कुछ लोग कमेंट किए थे मेरे एंगेजमेंट के लहंगे को लेकर, तो उसके बारे में आप लोगों को बाद में पता चल जाएगा। जो मैं ड्रेस लेती हूँ खेतान सुपर मार्केट से लेती हूँ, काफ़ी वहाँ अच्छे से मिल जाता है। चलिए गाइस अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आज रंजना रेडी भी हुई है, और ये इसका जो चैनल है उस पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि ये कैसे रेडी हुई है, क्या क्या यूज़ की है, क्या क्या नहीं। तो आप लोग को बताइए कैसा लगा ये पूरा लहंगा सेट, और ये जब तुम खरीदी तो सब घर का सब लोग देखा था, पापा मम्मी ऐसा करके? हाँ, किसी मेरी फैमिली में सब लोग देखा था, बाकी गाँव पापा जी कुछ बोले थे? नहीं मेरे पापा ने कुछ बोले थे। अच्छा खराब, बस बोले थे कि तुमको पसंद है तो हमको भी पसंद है, हम लोग की पसंद है उनको खुशी मिलती है। असली माँ बाप को वही खुशी होता है कि जो कि बच्चा को जो पसंद है वो माँ बाप भी उससे खुश हो जाते हैं, ठीक है? बच्चा अब ऐसा पसंद खोजने लगेगा कि जो माँ बाप को पसंद ही नहीं हो तो क्या करेगा माँ बाप। तो इस जब आप कमेंट में पढ़ाई लिखाई है जिसमें बच्चा खुश रहेगा उसमें माँ बाप खुश रहेगा, फिर आप लोग कमेंट करेंगे। अब बच्चा का एक तो इसी के साथ दे दीजिए इस वीडियो को, यही पे पसंद है हम लोग उसको माँ बाप कैसे दे सकता है। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। कैसा लगा शादी का जोड़ा, और क्या ये अम्बाला में पहनना चाहिए या नहीं, आप लोग खूब सारा कमेंट कीजिएगा। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
बाय बाय कर दीजिए। बाय।